ये देखिए इसकी जो लेयर्स आई हैं आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए ये मोड़ नहीं रहा, ये देखिए इतना क्रिस्पी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडी फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो लच्छा पराठा की रेसिपी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए इसको तैयार करते हैं। तो लच्छा पराठा के लिए ये मैंने गंदम का आटा 2 कप लिया है, तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक हल्का सा ऐड कर लें। तो आटे में मिक्स करने के लिए मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। दो चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको पानी डाल के गूंद लें। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाते हैं और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दें। जनाब आटा हमारा रेडी हो चुका है, तो अब फटाफट पराठे बनाते हैं। इस आटे के 3 पराठे भी बन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा साइज बनाऊंगा और 2 बनाऊंगा। रोटी हमने बेल ली है, अभी एक बार इसको दोबारा पेड़ा बना के तो दोबारा इसको मैं गोल शेप दूंगा। तो अभी मैं इसके ऊपर देसी घी लगाने लगा। तो देसी घी मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, आप इसकी जगह ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से बारीक बारीक पार्ट्स में काट लूँगा, आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको नाइफ की मदद से ऐसे आपने रोल करते जाना है। अगर आपको नाइफ से मुश्किल लग रहा हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। इसके ऊपर की जो साइड है उस पर आपने हल्का सा घी और लगा लेना। घी लगाने के बाद इसको ऐसे आराम आराम से आपने रोल कर देना। ये वाला हिस्सा इसके नीचे ऐसे। तो ये लच्छा पराठा का पेड़ा हमारा बन गया। तो 2 पराठे मैं बना रहा हूँ, दूसरा पेड़ा भी आपने सेम इसी तरीके से इसको बना लेना। पराठों के लिए 2 सेहतमंद पेड़े मैंने बना लिए हैं, तो आप फटाफट पराठा बनाते हैं। Thank you.
पराठे को हमने गोल शेप दे दिया, तो नॉर्मली जो लच्छा पराठा होता है वो थोड़ा मोटा ही होता है, तो आपने मोटा ही रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देसी घी के लच्छे पराठे बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इसमें जो देसी घी की खुशबू आ रही है ना, वाह सुभान अल्लाह। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पराठों को हमेशा मीडियम फ्लेम पे आप पकाएं ताकि वो नीचे से जले ना। ये देसी घी के पराठे और इन पराठों की खुशबू से और ये सब मुझे देख के अपने गाँव का ज़माना याद आ गया। भी ऐसे गाँव में नीचे ज़मीन पर बैठ के सब बहन भाइयों के साथ और अम्मी अबू के साथ बैठ के खाया करते थे। अब तो लेटेस्ट स्टोर आ गया, डाइनिंग टेबल पर बैठ के आराम से लोग खाते हैं, तो वो वाले ज़माने क्या ज़माने थे वो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा लच्छा पराठा कितना ज़बरदस्त बना है। इसमें जो ये लेयर्स आ रही हैं कितने ज़बरदस्त लग रही हैं और ये बिल्कुल क्रिस्पी बना है। माशाल्लाह लच्छे पराठे बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये जो आयल वाला लच्छा पराठा होता है ये हमेशा क्रिस्पी बनता है, अगर आप बिना आयल के बनाएंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना क्रिस्पी है, ये देखिए मोड़ने आ रहा है, ये देखिए इतना क्रिस्पी है, ये बहुत ज़बरदस्त है और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और इसके साथ आपने अगर आपके पास कल का जो सालन पड़ा हुआ है ना, कल की कोई सब्ज़ी आपने बनाई है या कुछ भी है, उसके साथ इसको आप खाएँ, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए इसकी जो लेयर्स आई हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये लच्छे पराठे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।